नमस्कार, चंद्रानीज क्विजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल स्टफ्ड करी। तो मैंने यहाँ पे 10 परवल ले लिया है धो के, वैसे मैं काट लूँगी, बीच में से हाफ करके काटूँगी। ऐसे ही मैं सारे परवल को, और एक दिखा देती हूँ, काट के फिर मैं बॉयल कर लूँगी। परवल हमारा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसके अंदर की ये निकालूँगी। ऐसे मैं सारे की निकालूँगी, और ये जो मैंने निकाला है इसके जो हार्ड सीड्स है वो मैं निकाल के फेंक दूँगी, और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट है वो मैं स्टफिंग में यूज़ करूँगी। तो उसको मैं अलग से निकाल के एक बाउल में रख दूँगी। सीड्स मैंने सारे परवल के निकाल लिया है, और यहाँ पे सीड्स तो ये मैं फेंक दूँगी, और सीड्स के अंदर जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं वो मैंने निकाल के रख दिया है, ये मैं स्टफिंग में यूज़ करूँगी। अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, एक बड़ा सा प्याज को काट के रखा है, और तेल पहले से ही गर्म कर लिया था। अभी इसमें एक टमाटर को भी काट के रखा था वो भी डाल दिए, एक हरी मिर्च, और यहाँ पे 4 अंडे को मैंने तोड़ के रखा है वो भी डाल रही हूँ। ये मैं अंडे से स्टफिंग बना रही हूँ। आप लोग चाहते हो तो चिकन कीमा से भी बना सकते हो। हल्दी पाउडर भी डाल दिया मैंने 1/4 स्पून। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकने दूंगी। परवल का जो सॉफ्ट पोर्शन था निकाल के जो रखा था वो डाल रही हूँ इसमें, और इसको भी अच्छे से मिला दूंगी। स्टफिंग हमारा तैयार हो चुका है, अब गैस बंद करूंगी और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है, अभी मैं परवल के अंदर ये स्टफिंग भर लूंगी। ऐसा करके सारे परवल में भर दूंगी। और साथ ही मैं यहाँ पे मैंने 5-6 स्पून बेसन रखा है, और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक डाल के ये एक बैटर बना लूँगी। इससे जो परवल हमारा है वो फ्राई करना पड़ेगा, इसके लिए इसका बैटर भी बना दूँगी। परवल में मैंने सारे स्टफिंग कर लिया है, और ये बैटर भी मैंने बना के रख दिया है। फ्राई पैन में तेल मैंने गरम कर लिया है, अब इनको मैं छोड़ रही हूँ। ये परवल हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेती हूँ मैं, और वैसे ही सारे परवल को मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई पैन में मैंने तेल थोड़ा सा गरम कर लिया है, अब यहाँ पे 1/4 स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज की पेस्ट, 1 टमाटर की पेस्ट, और 1 स्पून अदरक की पेस्ट। इनको थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी देगी मिर्च, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून नमक। अब मैं मसाला को अच्छे से भूनूंगी। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, अब मैं 1 ग्लास पानी इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं एक बॉयल आने तक रख दूंगी। अब इसमें 1 स्पून गरम मसाला पाउडर
डाल दिया मैंने। अब ये सारे परवल में डाल दूंगी। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। लीजिए, तैयार हो गई है हमारी स्टफ्ड परवल करी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है चावल के साथ, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। ट्राई करके अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।